This video is powered by KeepFit Music. Check description for more information. दोस्तों OnePlus की तरफ से latest smartphone OnePlus 3T finally launch हो चुका है और आज मैं आपसे इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूँ. आपको बताऊंगा complete information OnePlus 3T के बारे में और दोस्तों finally मैं OnePlus 3T के बारे में ही अपने opinions भी आपके सामने share करने वाला हूँ. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी. चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों पिछले दिनों से बहुत सारे लीक्स आ रहे थे कि OnePlus 3T आने वाला है, अब आने वाला है, तब आने वाला है, ये स्पेसिफिकेशंस होंगे, ऐसा डिजाइन होगा. लेकिन दोस्तों यहां पे सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है कि OnePlus 3T के नाम में उस T का मतलब क्या है. वो टर्बो है या ट्रम्प हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों इतना तो कंफर्म है कि OnePlus ने कुछ कुछ माइनर इंप्रूवमेंट्स किए हैं अगर आप इस फोन को कंपेयर करते हैं OnePlus 3 के साथ में. दोस्तों सबसे पहला जो चेंज है वो आपको देखने को मिलता है प्रोसेसर में, क्योंकि नए OnePlus 3T में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का H21 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों काम कर सकता है 2.35 गीगाहर्ट्ज़ तक. जो ट्रेडिशनल OnePlus 3 में था वो था स्नैपड्रैगन 820 2.15 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करने वाला. दोस्तों इसके अलावा यहां पे आपको जो रैम मिलती है वो बिल्कुल सेम है, 6GB की. अगर मैं आपसे बात करता हूं डिस्प्ले की तो वो भी दोस्तों बिल्कुल सेम है. जो रियर कैमरा है वो भी बिल्कुल सेम है. आपको यहां पे सिर्फ कुछ EIS के एल्गोरिथम्स में वो चेंज मिला है, बाकी सेम अपर्चर, सेम 16MP कैमरा, सेम सोनी का IMX298 सेंसर, सेम 4K वीडियो, सेम स्लो मोशन, कोई भी यहां पे चेंजेस नहीं है. दोस्तों इसके अलावा जो बैटरी कैपेसिटी है उसमें आपको देखते हैं कुछ इंप्रूवमेंट्स, क्योंकि जो बैटरी है वो बढ़ा दी गई है 3000mAh से बढ़ा के 3400mAh, और यहां पे भी आपको सेम डैश चार्ज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है. दोस्तों इसके अलावा आपको फोन में चेंज मिलता है वो है फोन की स्टोरेज को लेके, क्योंकि यहां पे दोस्तों आपको नए OnePlus 3T में मिलते हैं दो ऑप्शंस. एक तो है 64GB का और जो दूसरा दोस्तों नया ऑप्शन है वो है 128GB का. इसके अलावा डेफिनेटली कार्ड यहां पे स्लॉट नहीं है और आप फोन में ड्यूअल सिम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा दोस्तों जो फाइनल आपको चेंज मिलता है वो मिलता है फोन के फ्रंट कैमरा में, क्योंकि दोस्तों यहां पे यूज किया गया है सैमसंग का एक नया सेंसर जो कि है एक 16MP कैमरा. यहां पे आपको जो मिलता है पिक्सल साइज वो है 1 माइक्रोन का और जो एपर्चर है वो है सेम f2.0 का, अगर आप कंपेयर करें उसे OnePlus 3 के साथ में. दोस्तों इसके अलावा फोन लुक्स में, डिजाइन में, वेट में, साइज में बिल्कुल सेम है, OnePlus 3 जैसा ही है बिल्कुल. और दोस्तों यहां पे जो प्राइस है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है. अगर मैं आपसे बात करता हूं OnePlus 3T के 64GB स्टोरेज वेरिएंट की, दोस्तों जो यहां पे इसकी US की प्राइस है वो है $439, यानी करीब करीब 29,800 रुपए के आसपास. और दोस्तों जो 128GB का वेरिएंट है इसकी जो प्राइस है वो है $479, यानी कि करीब करीब 32,500 के आसपास. जो कलर ऑप्शन है दोस्तों वो आपको मिलेंगे दो अलग अलग ऑप्शन, यानी कि सॉफ्ट गोल्ड और जो ग्रे ऑप्शन आपको मिलता है गनमेटल ग्रे, वो आएंगे दोस्तों 64GB में. और जो 128GB वाला फोन होगा वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ गनमेटल ग्रे का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा. अब देखिए, अगर आपके पास में OnePlus 3 है या फिर अगर आप OnePlus 3 लेना चाह रहे थे तो क्या आपको रुकना चाहिए, क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए? तो दोस्तों मैं कहूंगा नहीं, कोई चीज खास जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें 820 को 821 से तो कुछ माइनर मतलब माइक्रो सेकंड्स में आपको हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले. यानी कि अगर आपने फोन में कुछ काम कर रहे हैं और अगर आप कंपेयर करेंगे 820 को 821 से तो हो सकता है कुछ बहुत ही माइनर चेंजेस जो कि आप शायद सामने नोटिस ना कर पाए. इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कैमरा की, तो यहां पे फ्रंट कैमरा में डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट्स मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि OnePlus 3 का जो कैमरा है वो बिल्कुल बेकार था. इसके अलावा जो बैटरी है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ दोस्तों यहां पे बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि आपको मिलती है 3400mAh की बैटरी, लेकिन फिर जो प्राइस है वो भी आपको ज्यादा चुकानी पड़ेगी. हालांकि इसमें इंडिया में अवेलेबिलिटी क्या होगी उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है. यूएस की जो अवेलेबिलिटी दोस्तों वो होगी 22 नवंबर से, यूरोप में ये मिलेगा 28 नवंबर से. अब इंडिया में ये कब आएगा इसके बारे में फिलहाल कोई आइडिया नहीं है. और जो प्राइस है वो डेफिनेटली दोस्तों 30,000 से ऊपर की ही होने वाली है अगर आप बात करते हैं 64GB वेरिएंट की. और अगर हम बात करें दोस्तों यहां पे 128GB वेरिएंट की तो वो शायद 33-34,000 तक जा सकता है. तो ऐसे में अगर आपके पास OnePlus 3 है तो आप खुश रहो, बढ़िया सेटिस्फाइड रहो. और अगर आप वेट कर सकते हो, अगर आपको नया फोन लेना है तो आप एक बार वेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप वो प्राइस पे करने को तैयार है स्नैपड्रैगन 821 और ये जो माइनर चेंजेस हैं इनके लिए. इवन जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपको मार्शमेलो ही मिलता है, नोगट का भी दोस्तों आपको बाद में देखने को मिल जाएगा. दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको सुझाव तो कमेंट में लिखकर, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए. और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं. फिलहाल इतना दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम.